सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण विद्यालय बनाने की रन रेट आधारित कार्य योजना के बारे में। साथियों, कोई भी कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही आसान बन जाता है जितनी शानदार आपकी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना होती है। ऐसी ही निपुण विद्यालय बनाने की एक कार्य योजना मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। साथियों, आपकी वह कार्य योजना सबसे शानदार होगी जिसमें आपने तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा हो। पहली, आपके द्वारा कार्य योजना में एक मीजरेबल लक्ष्य अर्थात मापने योग्य लक्ष्य तय किया गया हो, अर्थात एक ऐसा लक्ष्य जिसको मापा जा सके। दूसरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास संसाधन कौन कौन से हैं, साथ ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए कौन कौन सी गतिविधियां आप करेंगे, कौन कौन सी रणनीतियां आप बनाएंगे जिसके माध्यम से आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, और तीसरा, वह कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आप मॉनिटरिंग कर पाएं कि कितना लक्ष्य किस समय तक प्राप्त हो गया है। साथियों, यदि आपकी कार्य योजना में यह तीन चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपने ऐड नहीं की हैं तो निश्चित ही आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें आपको कठिनाई होने वाली है। मैं आपके समक्ष बहुत ही संक्षिप्त में यह कार्य योजना प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस कार्य योजना के PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। साथियों, ध्यान रखना, प्रभाव इस चीज़ का नहीं होगा कि आपकी कार्य योजना कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी है, कितने उसमें अच्छे चित्र हैं, कितनी अच्छी कलाकारी आपने की है, बल्कि प्रभाव इस चीज़ का होगा कि आपके द्वारा जो उस कार्य योजना में जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन के अनुसार आप अपनी रणनीतियों का प्रयोग करते हुए, अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था को अपनाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपने ईमानदारी से कितना प्रयास किया है। साथियों, कार्य योजना का प्रयोग केवल अधिकारियों को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस कार्य योजना में बनाई गई रणनीतियों के आधार पर कार्य करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने से है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और यदि कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं निश्चित ही प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। साथियों, कार्य योजना का पहला पेज आप इस प्रकार का बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों देख लेते हैं कि हमारी जो कार्य योजना होगी वो किन बिंदुओं के आधार पर होगी। तो देखिए साथियों, पहला बिंदु आप रखें निपुण विद्यालय बनाने हेतु लक्षित दिनांक सेट कर लें। आप सेट कर लीजिएगा 31, जैसे हमने सेट किया 31 दिसंबर 2023 तक हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको लक्षित दिनांक सेट करनी होगी, उसके पश्चात हम सेट करेंगे माहवार लक्ष्य। देखिएगा, दिसंबर 2023 तक हमें 100% बच्चों को निपुण बनाना है, लेकिन अभी जुलाई है तो जुलाई का लक्ष्य हम कितना रखेंगे, फिर अगस्त का कितना लक्ष्य रखेंगे, सितंबर में हम कितने प्रतिशत बच्चों को निपुण बना लेंगे, अक्टूबर में कितना बनाएंगे, नवंबर में कितना बनाएंगे, और दिसंबर में 100% बच्चों को हम निपुण बना लेंगे। तो ये जो माहवार लक्ष्य है इसकी एक टेबल हम बना करके चलेंगे आगे। इसके बाद साथियों हम कक्षा और विषय का आवंटन करेंगे। इसके पश्चात हम बच्चों की नियमित जो 100% उपस्थिति हो सके ऐसी एक कार्य योजना पर बात करेंगे, और उसके बाद बच्चों को निपुण बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए जो शिक्षण रणनीति हमारी होगी उस पर बात करेंगे, और जब शिक्षण रणनीति के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो उसके बाद उनका आकलन करने की हमें आवश्यकता होगी, उसके अभिलेखीकरण की आवश्यकता होगी, इस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद जो बच्चे हमारे निपुण हो जाएंगे, जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया होगा, जिन अभिभावकों ने अच्छा काम किया होगा, उनका उत्साहवर्धन पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथियों हमने निपुण विद्यालय बनाने के लिए इस 5-पॉइंट टूल किट का भी प्रयोग किया है जो हमें परियोजना से प्राप्त हुई है, इस पर भी साथियों हम बात कर लेते। देखिए, इसमें पहला है कि जो हमारे हेड टीचर हैं और जो हमारे शिक्षक हैं उनके बीच में कक्षा कक्ष का और कार्यों का आवंटन कर दिया जाए। उसके बाद संदर्शिका के माध्यम से उसमें दी गई जो शिक्षण योजनाएं हैं उनका उपयोग करते हुए पढ़ाया जाए। इसके साथ ही फिर बच्चों का असेसमेंट किया जाए, किसके, निपुण तालिका के माध्यम से बच्चों का असेसमेंट उस पर प्रदर्शित हो, और जो बच्चे हमारे वीक हैं उनका फिर उपचारात्मक, उनका जो रेमेडियल शिक्षण उस प्रकार से हो। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें लिया है कि समुदाय की सहभागिता हो, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो नियमित रूप से विद्यालय में आ सके। इसके साथ ही हमारे शिक्षक साथियों का विद्यार्थियों के साथ एक आत्मीय संबंध हो। तो ये 5 पॉइंट की जो टूल किट है जिस पर भी साथियों हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं साथियों कि जिन बिंदुओं को हमने निपुण विद्यालय बनाने की योजना का आधार बनाया है उनको हमने कैसे यहाँ पर रखा है। सबसे पहले देखिए, निपुण विद्यालय बनाने हेतु हमने लक्षित दिनांक सेट कर ली साथियों 31 दिसंबर 2023, इस तक हम बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा, हमने एक टेबल रखी कि निपुण विद्यालय बनाने का माहवार लक्ष्य हमारा क्या है। जैसे कि साथियों जुलाई में हमने रखा है लक्ष्य, रखा देखिए 20% बच्चों को हम जुलाई में निपुण बनाएंगे, अगस्त में हम 30% बच्चों को, जो विद्यालय के हमारे 30% बच्चे हैं उनको निपुण बनाएंगे, ऐसी सितंबर में 50%, देखिए सितंबर में नेट की भी परीक्षा होगी, सितंबर में तक हम 50% बच्चों को निपुण बना लेंगे, और इसी प्रकार से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 100% बच्चों को हम निपुण बना लेंगे। साथियों ये जो लक्ष्य है मैंने रखा है, आप अपने अनुसार इस लक्ष्य को सेट करके रख सकते हैं। मुझे लगा कि जुलाई में जो विद्यालय हैं अभी छुट्टी के बाद खुले हैं तो यहाँ पर हमारे बच्चों जो हैं उनको शैक्षिक दिवस कम मिले हैं, इसलिए लक्ष्य यहाँ पर 20% कम रखा गया है। ये जो लक्ष्य है साथियों, इसी लक्ष्य को हमने रन रेट कहा है।
बेस्ड कहा है, यानी कि देखिए 20% लक्ष्य हमारा जुलाई में, तो इसे यहाँ पर मापा जा सकेगा कि 20% था, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कितना लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, अगस्त में अब कितना प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह की एक टेबल आप बना करके रखेंगे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हों जिनके बच्चे सभी निपुण हो चुके हों, तो वे अपने अनुसार से यहाँ से कार्य कर सकते हैं। इसके बाद साथियों कक्षा और विषय का आवंटन कर लेंगे कि भाई कक्षा 1, 2, 3 है, उनमें भाषा पढ़ाने वाले कौन से शिक्षक हैं और गणित पढ़ाने वाले कौन से शिक्षक हैं, और यहाँ पर उनके कक्षा के कक्षा अध्यापक कौन से हैं। ठीक है साथियों, हो सकता है भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक भी वही हों और गणित पढ़ाने वाले शिक्षक भी वही हों और वही उसके कक्षा अध्यापक भी हों। ठीक है साथियों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि बच्चों की जो नियमित 100% उपस्थिति करनी है उसकी साथियों क्या कार्य योजना होगी। देखिएगा मैं वही बात करूंगा साथियों जो प्रैक्टिकली है। यहां सबसे पहले क्या करें आप, अगर 100% उपस्थिति आप अच्छी 100% का मतलब अच्छी उपस्थिति आप अपने विद्यालय में करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप विद्यालय में नियमित रूप से घंटी का प्रयोग करिएगा। घंटी जब बजेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो समुदाय है, अभिभावक हैं, वो तुरंत अपने बच्चों से कहेंगे कि विद्यालय का समय हो गया, आप जाइएगा। दूसरा, जो प्रार्थना सभा में पीटी प्रतिदिन ड्रम के माध्यम से कराइएगा, देखिए इसका इफेक्ट जो है समाज पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। इसके बाद विद्यालय और कक्षा का जो वातावरण वो भयमुक्त रखिएगा, ये आप जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी ही करनी है और इसी से देखिएगा उपस्थिति बढ़ेगी, क्या कि जो हमारे कक्षा अध्यापक हैं वे अपने कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर एक पंजिका में दर्ज कर लें और साथ साथ अपने मोबाइल में भी सेव कर लें। सेव करने के बाद वे अध्यापक उन अभिभावकों से एक बार व्यक्तिगत मिलें और मिलकर के ये कहें कि भाई आप अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय देखिएगा भेजिएगा, और यदि आप विद्यालय नहीं भेजते तो मैं आपको उस दिन फ़ोन करूँगा, ऐसा ही आप मुझे नंबर भी दें। ठीक है, अब उसके बाद कक्षा अध्यापक पहले हाजिरी लगाएंगे, हाजिरी लगाने के बाद देखिएगा जो बच्चे अनुपस्थित हैं तुरंत उनको फ़ोन करिए, उनके अभिभावक को फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके उसका पता करेंगे कि भाई बच्चा आपका क्यों नहीं आया। हो सकता है एक दिन, जैसे ही आप नेक्स्ट डे फिर ये काम करेंगे, तीसरे दिन फिर ये काम करेंगे, तो निश्चित रूप से अभिभावक को ऐसा महसूस होगा, वो परेशान भी हो सकते हैं, क्या कि भाई हाँ तुरंत कहेंगे घर पर कि भाई बच्चे को जल्दी से विद्यालय भेजिएगा, मास्टर साहब का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, हो सकता है वे फ़ोन ना उठाएं, उससे पहले ही आपके बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए तैयार कर दे। ठीक है साथियों, हो सकता कहीं कहीं पर हमारे जो अभिभावक हैं उनके पास मोबाइल नंबर ना हो, ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती, तो उसके लिए एक अलग रणनीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना ईमानदारी से, जैसे ही कक्षा अध्यापक रोज अटेंडेंस लगाएं उसके पश्चात जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनके अभिभावकों को आप फ़ोन करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से बच्चों की उपस्थिति आपकी बढ़ेगी। लेकिन ये काम नियमित रूप से आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया दूसरे दिन नहीं किया। ठीक है साथियों, इसके बाद देखेंगे जो लगातार अनुपस्थित हमारे बच्चे हैं उनके साथ आप विशेष आत्मीय संबंध बनाइएगा। पता नहीं उनके साथ क्या कारण है, आपसे डर तो नहीं रहे हैं, जब आपके साथ आत्मीय संबंध होगा तो निश्चित रूप से बच्चा विद्यालय आएगा। ऐसा ही आप विद्यालय का एक सहज परिवेश भी बना लें। इसके बाद 100% उपस्थित रहने वाले बच्चों को और उनकी माताओं को विद्यालय में देखे बुला करके आप उनका उत्साहवर्धन करें, इससे भी उपस्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। समय समय पर बच्चों की जो शैक्षिक प्रगति है उसको भी आप अभिभावकों के साथ साझा करें, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ तरीके ऐसे जिनके माध्यम से उपस्थिति बढ़ सकती है। इसके अलावा भी और तरीके हैं साथियों, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम साथियों बात करेंगे कि निपुण विद्यालय बनाने के लिए जो शिक्षण रणनीति है वो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी। तो साथियों शिक्षण रणनीति हमारी वही होगी जो हमें परियोजना से प्राप्त हुई है, अर्थात हम संदर्शिकाओं के अनुसार अपनी भाषा और गणित दोनों विषयों का शिक्षण कराएंगे। इसमें साथियों हमें जानकारी हो सबसे पहले तो साप्ताहिक शिक्षण चक्र की, हम साप्ताहिक शिक्षण चक्र के हिसाब से काम करेंगे। हमारे जिस विद्यालय में देखिएगा साप्ताहिक शिक्षण चक्र का पालन नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उन्हें निपुण विद्यालय बनाने में कठिनाई आएगी ही आएगी। जैसे कि भाषा है, अभी हमारे शिक्षक साथियों से पूछा जाए तो कुछ ऐसे हैं, हो सकता है 1-2% जानकारी ना हो, तो सभी को यह जानकारी हो कि भाई भाषा है तो उसमें पहले 1 से लेकर 4 दिन तक आप अनुदेशात्मक कार्य करेंगे, अर्थात बच्चे की नई दक्षताओं पर काम करेंगे। उसके बाद 5वें दिन पुनरावृत्ति का काम होगा, 6ठे दिन आप आकलन का काम करेंगे और उस पर रेमेडियल का काम करेंगे। इसके बाद यह कार्य 7वें दिन के लिए दे देंगे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से जो गणित है गणित में भी यही कार्य आपको करना है, जो 1 से 4 दिन तक आप नई दक्षताओं पर काम करिएगा, 5वें दिन आप समेकन और आकलन करिएगा, 6ठे दिन रेमेडियल और पुनरावृत्ति करिएगा और 7वें दिन के लिए बच्चे को कार्य दे दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो इस साप्ताहिक शिक्षण चक्र का हमें पालन करना होगा, इसके साथ ही पालन करना होगा दैनिक शिक्षण चक्र का। दैनिक शिक्षण चक्र के हिसाब से हमारे अगर शिक्षक साथी चलते हैं तो उसका देखिएगा प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ने वाला, क्या कि हमें पता कक्षा 1, 2, 3 के लिए 3 घंटे हिंदी और 3 घंटे गणित के लिए निर्धारित है, उन 3 घंटों में दैनिक हमें करना क्या है ये पता हो, उसके हिसाब से हम काम करें। जैसे पहला कलांश हिंदी का है तो उसमें मौखिक भाषा विकास से संबंधित कार्य करिए, दूसरे कलांश में हम डिकोडिंग से संबंधित काम करिए, तीसरे कलांश में पठन से संबंधित काम करिएगा और इसी प्रकार से साथियों गणित। तो दैनिक शिक्षण चक्र का पालन करना है ताकि बच्चे के जो
दक्षता सूची हमें दे रखी है, जो निपुण सूची जो हमें दे रखी है, उसमें जो भी दक्षताएं हैं, चाहे वो मौखिक भाषा विकास से संबंधित हो, चाहे वो पठन से संबंधित हो, चाहे वो लेखन से संबंधित हो, ठीक, चाहे वो डिकोडिंग से संबंधित हो, वो सारी दक्षताओं पर काम हो सके, तो हमें दैनिक शिक्षण चक्र का पालन करते हुए कार्य करना है। इसके बाद साथियों, संदर्शिकाओं का उपयोग करके भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण, ये कार्य हमें करना ही है। शिक्षण कार्य करने से पूर्व अनिवार्य रूप से मेरा निवेदन है कि तैयारी करके ही साथियों आप कक्षा में जाएं। इसके बाद जो साथियों कार्य पुस्तिकाएं मिली हुई हैं, तो उन कार्य पुस्तिकाओं का नियमित रूप से आप प्रयोग करें, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें और उसकी जांच करते रहें। इसके बाद एक कलान साथियों प्रतिदिन पुस्तकालय का हमें रखना है, जिससे पढ़ने की गति साथियों बढ़ सके। ये थे साथियों कुछ पढ़ाने से संबंधित, ये थी हमारी शिक्षण रणनीतियां। इन शिक्षण रणनीतियों को अपना करके हम बच्चों को निपुण बनाने का काम करेंगे। अब देखिए पढ़ाई भी होगी, अब है बच्चे का हम आकलन कैसे करें, तो देखिए आकलन करने के लिए हमने यहां लिया है निपुण लक्ष्य ऐप, और उसका अभिलेखीकरण कैसे करेंगे इस पर बात कर लेते। जो निपुण लक्ष्य ऐप है, आप देखेंगे उसमें दो चीजें आती हैं निपुण लक्ष्य ऐप में, ठीक है साथियों, निपुण लक्ष्य ऐप में दो चीजें हैं। नंबर एक, जो पिछली बार 22 सप्ताह का कार्यक्रम गतिमान था, इस बार साथियों 25 सप्ताह का कार्यक्रम गतिमान रहेगा। तो ये जो 25 सप्ताह है, इसमें हर सप्ताह आप देखेंगे आपकी जो कार्य पुस्तिका भी मिली है कक्षा 1, 2, 3 की, उस कार्य पुस्तिका में हर सप्ताह एक आकलन का पेज भी लगा हुआ है, ठीक। आपने पूरे सप्ताह काम कराया, उसके बाद उस सप्ताह में बच्चे का आकलन किया, तो जिस दक्षता का आपने आकलन उस सप्ताह किया है, जो पढ़ाई है उसका आकलन कर लिया, उसी आकलन का आप अभिलेखीकरण भी करेंगे। तो इसको कहते हैं साथियों सूची अभ्यास। क्या कहते हैं? सूची अभ्यास। निपुण लक्ष्य ऐप पर दो चीजें आएंगी, एक आएगा सूची अभ्यास, एक आएगा निपुण अभ्यास। सूची अभ्यास का मतलब है एक से लेकर के जो 25 सप्ताह हैं, उन 25 सप्ताहों का जो है आकलन करना। आपने सप्ताह पढ़ाया और उस सप्ताह का आप कार्य पुस्तिका से भी आकलन करेंगे और निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से भी आकलन कर लेंगे। तो ये जो सप्ताह की दक्षताएं दी गई हैं, उन सप्ताह की दक्षताओं को का आकलन करना सूची अभ्यास कहलाता है। और यदि आप निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण लक्ष्यों के आधार पर आकलन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते निपुण अभ्यास कहते हैं, ठीक है साथियों। तो यहां पर देखिएगा, अभी बात करें सूची अभ्यास की, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। आप एक काम करिएगा, ये टेबल क्रम संख्या है, बच्चे का नाम है, उसके बाद उस बच्चे की कक्षा है, और फिर वीक 1 से लेकर के वीक 25 तक मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा निपुण बच्चा हो गया अथवा यस और नो। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे का नाम लिख लीजिएगा, सपोज लिखा आपने विनय कुमार, कक्षा लिखी आपने 2, और यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट कर दीजिएगा 1 से लेकर के आगे तक, ठीक है साथियों। तो जैसे पहले सप्ताह आपने संदर्शिका में पढ़ाया, उस बच्चे का कार्य पुस्तिका में आकलन किया, निपुण लक्ष्य ऐप पर सूची अभ्यास में आकलन किया, यदि बच्चे ने उस पहले सप्ताह की दक्षताएं आ गई हैं, तो साथियों यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा पहले सप्ताह में, दूसरे की जब आ जाएंगी तब टिक कर दीजिएगा, तीसरे की आ जाएंगी टिक कर दीजिएगा, और जैसे ही उसको ये 25 सप्ताह की पूरी दक्षताएं आ जाएंगी, तो बच्चा हो जाएगा आपका निपुण, तो आगे लिख देंगे कि बच्चा निपुण हो गया अथवा नहीं, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं सूची अभ्यास का। यहां पर एक चीज बताऊंगा साथियों, इस 25 सप्ताह के कार्यक्रम में, ये अभी आप लोगों का प्रशिक्षण आने वाला है, तो इस 25 सप्ताह के कार्यक्रम में आप देखेंगे जो कक्षा 1 है उसमें 9 सप्ताह से आगे, 25 सप्ताह के लिए दिया गया, 9 सप्ताह से पीछे का स्कूल रेडीनेस से संबंधित कार्यक्रम उन्होंने 8 सप्ताह तक दे रखा, तो आप उसकी एंट्री यहां पर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये हुई साथियों सूची अभ्यास रिपोर्ट का अंकन हम कैसे करें। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों कि यदि आपने सूची अभ्यास ना करके बल्कि निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण अभ्यास आपने किया है बच्चे का, निपुण लक्ष्यों के आधार पर आपने आकलन किया है, तो उसकी आप प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार से टेबल के रूप में बना लें। भाई क्रम संख्या, बच्चे का नाम, कक्षा। अब देखिएगा आपने निपुण लक्ष्य ऐप पर चेक किया कि भाषा में बच्चा निपुण हो गया अथवा नहीं, तो यहां लिख दीजिएगा यस और नो। गणित में निपुण हुआ, यस और नो। भाषा और गणित दोनों में निपुण है, तो यस एंड नो। उसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आप निपुण अभ्यास रिपोर्ट का अंकन छात्रवार आप बना सकते हैं, ठीक है साथियों। अब ये होगी, इसके बाद देखिएगा कक्षावार। अभी आपको ध्यान होगा, यही है साथियों रन रेट बेस्ड जो हमें मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। क्या अभी आपने देखियो जुलाई में एक सेट किया था साथियों कि जुलाई में आपको लक्ष्य आपने सेट किया था कि हम 20% बच्चों को निपुण बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो कक्षा अध्यापक देखेगा वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का यहां प्रत्येक माह का लक्ष्य यहां पर साथियों अनुश्रवण करने के बाद लिखते जाएंगे। जैसे कि अभी पीछे आपने देखा था बच्चों के हिसाब से आपने निपुण लक्ष्य की टेबल बना रखी है, वहां से आप नोट करेंगे कि जुलाई में कितने बच्चे, यहां पर देखिएगा
जुलाई में। यहाँ पर आप कक्षा का नामांकन लिख लीजिएगा, कक्षा एक में सपोज करिएगा 20 नामांकन है, तो आप देखिएगा जुलाई में भाषा में कितने बच्चे निपुण हो गए हैं यहाँ लिखिएगा, गणित में कितने बच्चे निपुण हो गए हैं यहाँ लिखिएगा, दोनों में कितने निपुण हो गए यहाँ लिखिएगा, और कितने प्रतिशत निपुण हो गए यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कक्षा अध्यापक साइन कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों पता चला हमें कि जुलाई में कितने प्रतिशत कक्षा एक का लक्ष्य प्राप्त हो गया। जैसे पूरे विद्यालय का जुलाई का लक्ष्य हमने रखा था 20%, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अगर आपने सपोज करिएगा 30% लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो यहां पर आपका 30% तुरंत आपको पता चल रहा भाई कक्षा एक की प्रगति अधिक हो गई है। जुलाई का लक्ष्य दिया था 20% और इन्होंने प्राप्त कर लिया 30%, ठीक है साथियों। इसी तरह से यहां पर अगस्त है, अगस्त में कितना लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, सितंबर में कितना हुआ, अक्टूबर में कितना हुआ, तो ये कक्षा वाइज हमने दे रखा। इसी तरह से कक्षा दो की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कक्षा तीन की मॉनिटरिंग साथियों यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों यहां पर निपुण विद्यार्थी बनाने हेतु शिक्षकों द्वारा निर्धारित माहवार लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, ये साथियों महत्वपूर्ण है, जो आपको BUHT बैठक या कहीं भी आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो अपने शिक्षकों के साथ इसी के बेस पर, रनरेट बेस पर आप जो है यहां पर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। क्या देखिए, जुलाई में आपने लक्ष्य सेट किया था कितना, 20%। अब देखिए पिछली जितनी भी टेबल थी उसके आधार पर कक्षा वाइज निकाल करके विद्यालय वाइज आप निकालिएगा कि जुलाई में 20% लक्ष्य था भाई, प्राप्त कितना हो गया, लक्ष्य के सापेक्ष निपुण बच्चों की प्रतिशतता कितनी यहां पर आ गई है। तो यहां पर देखिएगा भाई कितना लक्ष्य प्राप्त हो गया आपको यहां लिखिएगा। उसके बाद जब अगस्त आएगा तो अगस्त का आपका लक्ष्य था 30% बच्चों को निपुण बनाना, तो यहां देखिएगा कितने प्रतिशत बच्चों को आपने निपुण बना दिया। इसके बाद देखिएगा सितंबर में था 50% आपने लक्ष्य रखा था, तो कितने प्रतिशत बच्चों को आपने निपुण बना दिया। तो साथियों इस प्रकार से लगातार आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। और यदि आपको यहां पर कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई लक्ष्य के सापेक्ष देखिएगा समस्या आ रही है, प्रगति नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में साथियों ये हमने पॉइंट आपको रखा है कि आप शिक्षकों के साथ बैठक करिएगा, ARP को, BO को आमंत्रित करिएगा, उनके सुझाव लीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा साथियों 31 दिसंबर के बाद, अब ये हमने कार्य योजना बनाई है 31 दिसंबर की, अगर 31 दिसंबर के बाद देखें हमें, चूंकि मार्च तक का हमारा सत्र है, तो 31 दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति कार्य करिएगा, उपचारात्मक कार्य करिएगा, और बच्चों की जो रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाने का आप कार्य करिएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट उत्साहवर्धन की। देखिए जो भी हमारे बच्चों ने अच्छा कार्य किया है, जो बच्चे हमारे निपुण हो गए हैं, जिन शिक्षकों ने हमारे अच्छा कार्य किया है, जिन अभिभावकों ने हमारे अच्छा कार्य किया है, तो उन सभी को साथियों हम उत्साहवर्धन करने का कार्य करेंगे। और इसके लिए जो बच्चे निपुण हो गए हैं उनके नाम की सूची आप विद्यालय की दीवार पर अंकन करा दीजिएगा। ऐसे कुछ तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके, जैसे कि मैं निपुण हूँ ऐसी सेल्फी लेना, क्राउन बना लेना कि मैं निपुण हूँ, उसका फोटो लेकर के ऊपर प्रेषित करना, ठीक। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ लिखी हैं। इसी तरह से निपुण होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को बैठक में सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करना, और जो अधिकतम निपुण प्रतिशत बनाने वाले शिक्षक हैं, हमारे जो ऐसे शिक्षक जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो साथियों उनका भी उत्साहवर्धन करना। साथियों निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और जो भी आपका प्रश्न है, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं साथियों प्रयास करूँगा उस पर वीडियो बनाने का, उसका समाधान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।